हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड काफ़ी लंबे इंतजार के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीजी और पीएचडी, पीजी का एडमिट कार्ड तो पहले ही आ गया था बट पीएचडी डीयूईटी का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो उससे रिलेटेड एक नोटिस आई है, नोटिस में ही लिंक भी दिया गया है जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और अभी ये एनटीए की वेबसाइट पर ही आपको मिलेगा और हो सकता है कि थोड़े समय बाद आपको डीयू की वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल हो जाए। तो ये हम आपको दिखाते हैं, ये कल देर शाम तक ये नोटिस आई है। तो ये नोटिस देख सकते हैं, पब्लिक नोटिस 14/10 की है। यहाँ पर जो बताया गया है कि एंट्रेंस टेस्ट आपका जो है वो 3 शिफ्ट में है, जैसा कि पहले शेड्यूल था वैसे ही है। द कैंडिडेट कैन डाउनलोड दियर एडमिट कार्ड फॉर द सेड एग्जामिनेशन फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, nta.ac.in पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं, नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है एंड एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यही डाल के आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ नोट दिए गए हैं और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि एडमिट कार्ड की एक कॉपी आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, वो एडमिशन के काउंसलिंग के समय बहुत लगती है, मतलब कि आप बाकी ये डिटेल्स देख लीजिएगा। और कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू बी इन टच विद द एनटीए वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द एग्जाम। क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में एनटीए फेयर बदल कर देता है, टाइमिंग चेंज हो जा रहा है और डेट आगे पीछे हो जा रही है, तो इसीलिए आप एनटीए वेबसाइट पर बराबर ध्यान रखें कि आप सोच रहे हो आपका एग्ज़ाम कल हो सकता है आपका एग्ज़ाम कल ना हो, इस तरह से भी एनटीए का शेड्यूल रहता है। तो एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम का 3 दिन पहले आ जाता है, जैसे कि आज कल एडमिट कार्ड आया 14 को शाम को, तो 17 को एग्ज़ाम है, मतलब आपका 2 दिन पहले 3 दिन पहले आ गया है। ऐसे जिसका एग्ज़ाम 21 अक्टूबर को है वो 18 अक्टूबर तक डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम है वैसे वैसे एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड ड्यूटी ही सी कैन कॉन्टेक्ट ऑन एनटीए हेल्प डेस्क, नंबर दिया गया है, ईमेल दिया गया है, आप संपर्क करेंगे तुरंत आपको, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अपना शेड्यूल देख लीजिएगा। तो ये एडमिट कार्ड का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा और डायरेक्ट लिंक भी दे देंगे डाउनलोड करने का। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपडेटेड हैं, आप उनको भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। धन्यवाद।